कुंडल तो चंचल नैन कटारे सिर मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारे मुख कमल पे भंवरे बने केश लहराए कारे कारे ओ जाओ प्रकट मम हृदय में करो दिल के दूर अंधेरे राधार सोए रही मोतन माला अधरों पे मुरली सजाए कल सोए रही मोतन माला अधरों पे मुरली सजाए करे घायल टेढ़ी चितवन से मुस्कन से चैन चुरा चल की छाया में करुणा में मुझे छिपा लो अपने आंचल की छाया में करुणा में मुझे छिपा लो मैं जन्म जन्म से भटका हूँ बेनात मुझे अपना लो प्राणेश रमण तुम संग हेलो 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 ओके जल्दी जल्दी आ जाओ सारे फटाफट से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास इन 1 to 2 more minutes बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशंस एंड नोटिस जल्दी जल्दी आ जाओ मैं 2 मिनट और वेट कर रही हूँ एग्जैक्ट 11:05 पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास बच्चे गुड मॉर्निंग बच्चे गुड मॉर्निंग हेलो यशिका हेलो हाउ आर यू चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास आ जाइए बच्चे हेलो हेलो हेलो
क्या मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? पक्का पक्का चले आगे आइए। ओके मेरे बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? हाँ जी अंजलि, अंकित और कौन है? अंजलि, अंकित, हाँ हाँ एक मिनट रुको यार, ये क्या हो गया लाइट? अंजलि, अंकित, मान्या, मानसी, यशिका, आशीष, रमेश, तेजस, प्रांजलि, रूपाली, विक्की, पूजा, अनुष्का, प्रिया, नेहा, ऋतिक, शुभि, सौरभ, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है सब? सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया? क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे बच्चे? क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। चलो आइए फटाफट से, हम ना रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग की बात कर रहे थे, एक घंटा लगाते हैं, एक सवा घंटा, जितना भी हमें टाइम लगता है, जितना भी टाइम लगता है, यस और नो? आइए, टेंशन नहीं लेनी यार, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अभी निकाल दूंगी, टेंशन नहीं लेनी, आ जाओ। अब ना एक टॉपिक है जहां बहुत सारे बच्चे अड़ते हैं, दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन एंड नोटिस। देखो दो अलग चीजें, एक है रेजोल्यूशंस की ड्राफ्टिंग और एक है नोटिस की ड्राफ्टिंग, राइट? बोथ दीज आर डिफरेंट थिंग्स। अब बच्चे ना इनमें बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा, कि मैम हमें आता नहीं है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, रेजोल्यूशन नोटिस, मतलब पेपर में हमने देखा कि आता ही आता है। देखो सबसे पहले लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बच्चे मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, कितने भी दिन लेफ्ट हो, क्या हो गया, तैयारी जान लगानी है हमने, और क्या, इधर सुनो। अब जब रजे देखो, दो चीजों की ड्राफ्टिंग मैंने सीखनी है, पहली रेजोल्यूशन की और दूसरी नोटिस की, राइट? सीएस प्रोफेशनल में ना एक पूरा पेपर है ड्राफ्टिंग का, कैन यू इमेजिन, एक प्रॉपर पेपर है ड्राफ्टिंग का सीएस प्रोफेशनल में, जो अंकुश सर पढ़ाते हैं। बट सीएस एग्जीक्यूटिव में हर बार भी नहीं, मतलब आप ये देख लो, हर एक अटेम्प्ट के बाद मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ड्राफ्टिंग पे, तो आप देख पा रहे हो लेवल, यस और नो? तो हमें ड्राफ्टिंग को बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है, बस आप आज की क्लास मेरे साथ ले लो, आई प्रॉमिस आपका ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। जस्ट आज की जितनी देर की भी हमारी क्लास चलेगी, लाइक वन एंड हाफ आवर की, आपको मेरे साथ बैठ के ड्राफ्ट करना है, आपको मेरे साथ बैठ के समझना है, आपके 5 नंबर पक्के। अब एक और सवाल आता है, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि कंपनी लॉ में 5 में से 5 नहीं मिलते, लाइक बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो वैसे ही ड्राफ्टिंग है, यस, उसमें आपको 5 में से 5, 4.5 कभी नहीं मिलेंगे, 3, 3.5 पर अटक जाओगे आप, ध्यान से देखो। आपको जो मेहनत करनी है ना, वो 3 नंबर के लिए मेहनत करनी है। अब 3 नंबर के लिए तुम 30 घंटे थोड़ी लगा दोगे, 3 नंबर के लिए तुम 10 घंटे थोड़ी लगाओगे, 3 नंबर के लिए तुम 5 घंटे अभी नहीं लगाओगे, बिकॉज अभी टाइम ही नहीं है, और पहले भी लगाने जरूरी नहीं थे, जितना मैं करवा दूंगी वो मोर देन सफिशियंट है कि यहां तक डन हो मेरे साथ, यहां तक डन हो। आज की क्लास में रेजोल्यूशंस ड्राफ्ट करना भी सिखाऊंगी, साथ ही साथ नोटिस ड्राफ्ट करना भी सिखाऊंगी। आई होप दिस मेक्स सेंस, यस और नो? चलो अब सवाल आता है, मैम आप ये बताओ, ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन मतलब क्या है? क्या रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशंस का मतलब क्या होता है रजे? जो चीजें मीटिंग में डिस्कस होनी है उनका एक ड्राफ्ट, मीटिंग में जो डिसीजंस लिए जाने हैं उनका एक ड्राफ्ट, इज रेजोल्यूशंस, इज व्हाट रेजोल्यूशन। तो मतलब आप मैम ये कह रहे हो कि जो जो चीजें मीटिंग में डिस्कस होती हैं उन सब सब का एक रेजोल्यूशन बनता है? बिल्कुल यार, मान लो मैंने मीटिंग में, लेट अस सपोज जर्नल मीटिंग में बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है, बोर्ड मीटिंग, यस और नो? बोर्ड मीटिंग में होगा। अब बोर्ड मीटिंग में एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर डिस्कशन होनी है, उसके ऊपर डिसीजन लिए जाने हैं, तो उसके लिए उससे पहले क्या बनेगा? उसका एक रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन पास होगा मीटिंग में, समझ रहे हो? तो क्या हर मीटिंग के रेजोल्यूशंस बनते होंगे? बिल्कुल। क्या बोर्ड मीटिंग के रेजोल्यूशन बनते होंगे? बिल्कुल। क्या जर्नल मीटिंग के रेजोल्यूशन बनते होंगे? बिल्कुल। क्या कमिटी मीटिंग्स के रेजोल्यूशन बनते होंगे? बिल्कुल। क्या क्लास मीटिंग के रेजोल्यूशन बनते होंगे? बिल्कुल। यस और नो? बट इतने ही मिलते हैं, 2 से 3 नंबर मिलते हैं ड्राफ्टिंग में, उसे ज्यादा नहीं मिलते। अब उसके बाद देखो, बोर्ड मीटिंग में क्या पास होता है? बीआर। जर्नल मीटिंग में क्या पास होता है? ओआर या एसआर। क्या इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है? बिल्कुल रखना है। जो मैं रेजोल्यूशन हम सीखेंगे ना,
वो एग्जीक्यूटिव के लेवल पे सीखेंगे, वहां परफेक्शन नहीं आ सकती, ऑब्वियसली नहीं आ सकती, बिकॉज कहां एक पूरा सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग और कहां 5 नंबर का ड्राफ्टिंग। बस हमें उससे एक फॉर्मेट सीखना है, फॉर्मेट भी सीख लिया मेरा काम इजिली हो जाएगा। वैसे तो मेरी बात ध्यान से सुनो, नॉर्मली जब मैं रिजल्ट ड्राफ्टिंग की बात करती हूँ, रेजोल्यूशन की बात करती हूँ, रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन डिस्कशन। अब डिस्कशन हमारी होती है ना जी मीटिंग में, एक होती है हमारी बोर्ड मीटिंग, यस और नो, एक होती है हमारी कमिटी मीटिंग, होती है नहीं होती, हेलो, ठीक है, एक होती है हमारी क्लास मीटिंग, और उसके बाद राज्य आता है मेरा जर्नल मीटिंग। ये सारी मीटिंग्स होती है राइट, बट फॉर द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन मेरे को कमिटी मीटिंग पे ध्यान नहीं देना और मेरे को क्लास मीटिंग पे ध्यान नहीं देना, मेरे को बोर्ड मीटिंग पे ध्यान देना और मेरे को जर्नल मीटिंग पे ध्यान देना। अब इधर देखो, बोर्ड मीटिंग में क्या बीआर पास होता है? बिल्कुल। और जर्नल मीटिंग में क्या पास होता है? या तो ओआर पास होगा या एसआर पास होगा, क्लियर है? हाँ है ना, मतलब एक तो या तो आ सकता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करो, स्पेशल रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करो, ये सारी चीजें आ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी मेरे पेपर में नहीं आएगा। सबसे पहले मेरे को ये दिमाग में रख के चलना है। अब मैम मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ कि यार अब देखो 5 नंबर का आता है ना रेजोल्यूशन, तो कब अटेम्प्ट करना चाहिए? शुरू शुरू में कर ले। मैं वैसे कहती हूँ कभी नहीं करो, मतलब कभी नहीं इन द सेंस शुरू शुरू में कभी मत करो, हमेशा एंड पे करो। जब टाइम लिमिटेड रह जाए ना तब क्यों करो? क्यों? क्योंकि यार नंबर तो आपको उतने ही मिलने हैं, 2-3, 3.5 नंबर से ज्यादा आपको मिलने ही नहीं है। तो बजाय कि आप शुरू में इतना टाइम लगा दो, जबकि एग्जामिनर को ये देखना भी नहीं है कि तुम्हारी ड्राफ्टिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, बिकॉज यू आर इन एग्जीक्यूटिव, उसको बस ये देखना है कि आपको बेस आता है, बेस आता है तो वेल एंड गुड, आता है तो 2-2.5 नंबर मिल जाएंगे, नहीं आता तो आधा एक मिल जाएगा। तो उसके लिए आप शुरू का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना, समझ रहे हो बात को? तो ऑलवेज 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 अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द लास्ट। क्या यहां तक डन है? अब मेरी बात सुनो मैम, आपने ये तो बता दिया कि चलो लास्ट में करेंगे, इतने नंबर का आता है, हमें ये देखना है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो रहा है, स्पेशल पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, पर उसको लिखना कैसे है? अब मेरी एक बात सुनो, रेजोल्यूशन लिखने के लिए ना आपको कंपनी लॉ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बिना कंपनी लॉ की बेसिक नॉलेज हुए यू कैन नॉट ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन। ये लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपको एक आइटम दे दी, इसमें बीआर पास होगा, इसमें एसआर पास होगा, सुनो मेरी बात, इसमें बीआर पास होगा, इसमें एसआर पास होगा, कौन सा सेक्शन लग रहा है, ये सब चीजें मेरे को पता होनी चाहिए अगर मेरे को रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है। बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बताओ पहले मुझे, ड्राफ्ट करना सिखा दूं क्या? मैं ड्राफ्ट करना सिखा दूं क्या? मैं ड्राफ्ट करना सिखा दूं? जल्दी जल्दी बोलो, क्या तैयार हो? मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, हमेशा ये बात याद रखना, जो रेजोल्यूशंस होंगे ना रजे, रेजोल्यूशंस होते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में। किसमें होते हैं रेजोल्यूशन? फॉर्मल लैंग्वेज में। किसमें होते हैं? फॉर्मल लैंग्वेज में। हमेशा याद बात ध्यान रखना, रेजोल्यूशन आपके हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज में ही होंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आइए, लेट अस सपोज अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर आ गया। क्या आ गया? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। अब ना आपको ये फिगर आउट करना है कि जो रेजोल्यूशन आपको दे रखा है उसमें ड्राफ्टिंग कौन सी दे रखी है। अगर उसमें स्पेसिफिकली बोर्ड रेजोल्यूशन दे रखा है तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है, उसमें ऑर्डिनरी दे रखा है तो ऑर्डिनरी ड्राफ्ट करना है, स्पेशल दे रखा है आपको स्पेशल ड्राफ्ट करना है। अब अगर आपको लेट अस सपोज आप जो रेजोल्यूशन आपको दे रखा है उसमें रेजोल्यूशन पास कौन कौन से होते हैं, बीआर पास होता है, बीआर प्लस ओआर पास होता है, बीआर प्लस एसआर पास होता है, बीआर प्लस ओआर प्लस स्पेसिफिक अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, ये मेरे को देखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट डिसीजंस कुछ रेजोल्यूशन ऐसे होंगे जिसमें ओनली बीआर पास होता होगा, यस और नो? कुछ ऐसे होंगे जिसमें बीआर के साथ या तो ओआर पास होता होगा या एसआर पास होता होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें बीआर के साथ ओआर या एसआर पास होता होगा, साथ में किसी अथॉरिटी का अप्रूवल भी लगता होगा, यस और नो? इस टाइप के रेजोल्यूशन होते होंगे तो हमें ये सब चीजें देखनी है। अब सबसे पहले यहां तक डन है, इसको चाहे आप नोट डाउन कर लो,
इसको चाहे तुम नोट डाउन कर लो, मैं बोल रही हूं। चले आगे, आगे चल सकते हैं। अब आओ, अब मुझे एक बात बताओ, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर कर रहे हैं, अब बता दो इसमें पास क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर क्या पास होगा इसमें? हां जी, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर इसमें क्या पास होगा, बस ये बता दो मेरे को। आप लोगों की ना सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। एडिशनल डायरेक्टर है, इसमें क्या पास होगा, बस ये बता दो। बच्चे एग्जीक्यूटिव के लिए है, राज्य एग्जीक्यूटिव के लिए ही है ये। बीआर क्या पास होगा? बीआर, ये तो हमें पता है। अच्छा क्या ओआरएसआर कुछ भी पास होगा? और कुछ भी पास नहीं होगा मैम, इसमें सिर्फ बीआर पास होगा। क्या पास होगा? बीआर। अच्छा अब इसमें सेक्शन कौन सा लग रहा है? इसमें सेक्शन कौन सा लग रहा है? सेक्शन 161 सबसेक्शन 1। अच्छा मैम अगर सबसेक्शन 1 नहीं पता, सेक्शन 161, और सेक्शन 161 भी नहीं पता तो मैं बताती हूँ क्या लिखना है। मतलब क्या इसमें बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है? क्या इसमें बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है? और मेरे को ये बताओ, जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है, जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है, क्या डीआईआर 12 जाता है? तो मतलब, अच्छा ये आपको लिखना नहीं है, वहां जाके ये सिर्फ मैं बता रही हूं, ये मेरी बेसिक नॉलेज है जो मेरे को कोई भी रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करने से पहले होनी जरूरी है। अगर मेरे को ये नॉलेज है तो आई कैन इजिली ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन, आई कैन इजिली ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन। अब ध्यान से देखो, नॉर्मली देखा जाता है, नॉर्मली देखा जाता है कि या तो आप एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स में अपना रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो, मेक अ बॉक्स एंड ड्राफ्ट इट। ये तरीका भी बिल्कुल सही है, दो तरीके हैं, ये तरीका भी बिल्कुल सही है, या फिर आप सिंपली लिखना शुरू कर दो, या फिर आप क्या करो सिंपली लिखना शुरू कर दो, ये तरीका भी बिल्कुल सही है। मतलब अगर आपके पास टाइम अलाउ करता है तो मेक अ बॉक्स एंड उसके अंदर रेजोल्यूशन लिखो, बिकॉज इट गिव्स अ फॉर्मल फीलिंग, और कुछ नहीं है, जैसे एक फॉर्मल फीलिंग आएगी। तो आपके पास दो तरीके हैं, समझ रहे हो, दो तरीके हैं, या तो आप एक बॉक्स बनाओ उसमें लिखना शुरू करो, अदरवाइज आप नॉर्मल भी लिखते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले रेजोल्यूशन किसके है? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। तो मैंने ये लिख दिया रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। कोशिश करना ये कि लाइन में आ जाए, डन। उसके बाद अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, मीटिंग कौन सी करानी पड़ेगी? बोर्ड मीटिंग। रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। तो मैं यहां पे लिखती हूं टाइप ऑफ मीटिंग, मीटिंग कौन सी है? बोर्ड मीटिंग। अच्छा मैम मतलब देखो, जहां जहां बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा वहां वहां यही छेप सकते हैं, बिल्कुल। बस एडिशनल की जगह देख लेना, रेजोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग ऑथराइज्ड कैपिटल, रेजोल्यूशन फॉर दिस, रेजोल्यूशन फॉर दिस। और नेचर ऑफ मीटिंग, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन क्या है बच्चे? नेचर ऑफ रेजोल्यूशन है बोर्ड रेजोल्यूशन। आई गेस यहां तक सबको डन हो गया, यहां तक सबको डन हो गया, यस और नो? अब एक बात जरूर याद रखना, एक बार याद रखना, देखो बच्चे, एक तो जो आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो वो, दूसरा जब एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होगा डीआईआर 12 जाएगा, हाँ या ना? डीआईआर 12 कौन फाइल करता है? एक अथॉरिटी। तो मतलब दो रेजोल्यूशन पास होते हैं ऑलमोस्ट हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह दो रेजोल्यूशन पास होते हैं, एक तो मेन काम का, और उस मेन का काम के बाद जो चीजें करनी होती है वो, जैसे जब सीएस अपॉइंट होता है तो एमआर बन जाता है, एक तो रेजोल्यूशन पास होगा सीएस की अपॉइंटमेंट का, एक रेजोल्यूशन पास होगा एमआर वन का। जब ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ती है तो एक रेजोल्यूशन पास होगा ऑथराइज्ड कैपिटल का, और एक रेजोल्यूशन पास होगा एसएच वन जाने का। तो दो रेजोल्यूशन होते हैं, कितने रेजोल्यूशन होते हैं? अप्रोक्सीमेटली दो रेजोल्यूशन पास होते हैं। तो मैं क्या करती हूं, ध्यान से देखो, इसको हटा दू, लिख, आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो ये, राइट? देखो मैं क्या करती हूं, सबसे पहले हमेशा आपको करना है रिजोल्व दैट, या आप अगर कैपिटल में लिखेंगे तो अच्छा होगा, रिजोल्व दैट। शुरुआत हमेशा यहीं से करनी है, एक बात याद रखना, शुरुआत हमेशा रिजोल्व दैट से करनी है, और दूसरे रेजोल्यूशन के लिए रिजोल्व फर्दर दैट। और मैम अगर किसी में तीन रेजोल्यूशन हो तो भी अगला रिजोल्व फर्दर दैट, रिजोल्व दैट आ गया ऊपर, फिर रिजोल्व फर्दर दैट,
रिजोल्व फर्दर दैट मतलब जितने रेजोल्यूशन बन रहे हैं, रिजोल्व फर्दर दैट, ठीक है। अब कॉमा से स्टार्ट करना है, कॉमा से स्टार्ट करना है, आगे कॉमा क्लोज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे रिजोल्व दैट करके कॉमा क्लोज कर देते हैं, नहीं, बस ऊपर कॉमा से स्टार्टिंग करनी है। आई गेस यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। अब ध्यान से देखो, मुश्किल नहीं है। रिजोल्व दैट, क्या रिजोल्व करना है, ध्यान से देखो। रिजोल्व दैट इन परसुएंट टू सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अलोंग विद ऑल एप्लीकेबल रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। अब अगर मैम सेक्शन ना आता हो तो क्या हम लिख सकते हैं, रिजोल्व दैट इन परसुएंट टू द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर सेक्शन नहीं आता तो आप ये लिख सकते हो। बट मैंने आपको सुपर 30 की जो सीरीज स्टार्ट कराई है उसमें मैंने आपको इतने सेक्शंस तो करवा दिए कि ऑल इन ऑल उन सेक्शन से बाहर नहीं आएगा, उन सेक्शन से बाहर चीजें नहीं आएंगी। तो रिजोल्व दैट इन परसुएंट टू द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर सेक्शन नहीं आता। अगर सेक्शन आता है तो इन परसुएंट, रिजोल्व दैट इन परसुएंट टू सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अलोंग विद ऑल एप्लीकेबल रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बी एंड इज हेयर बाय। अब ये वर्ड बहुत जरूरी है, बी एंड इज हेयर बाय, क्यों? क्योंकि जिस टाइम रेजोल्यूशन पास हो रहा है मतलब उसी टाइम बोर्ड अप्रूव कर रहे हैं, तो मतलब इसी टाइम वो बोर्ड अप्रूवल हो रहा है, इसी टाइम बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो रहा है। तो हमेशा वर्ड हमेशा याद रखना, विल बी अपॉइंटेड, कैन बी अपॉइंटेड, इज बी अपॉइंटेड नहीं आएगा, बी एंड इज हेयर बाय। क्या वर्ड आएगा? बी एंड इज हेयर बाय। क्या वर्ड आएगा? बी एंड इज हेयर बाय ऑथराइज टू अप्रूव। अपना अपना नाम लिख लेना। लेटर सपोज मैं नाम लिख रही हूं ऋतिक का, मिस्टर ऋतिक एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर, सॉरी एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। दैट्स इट। देखो बस यही रेजोल्यूशन था मैम, बिल्कुल यही रेजोल्यूशन था, और क्या आएगा? यही है। अब मैम एडिशनल डायरेक्टर जब भी अपॉइंट होता है, मतलब कोई भी डायरेक्टर डीआईए 12 जाता है, बिल्कुल। अब डीआईए 12 कौन भेजता है? जो वो ऑफिसर बेसिकली जो कंपनी, जिसको कंपनी ने ऑथराइज किया होता है, यस और नो, वही भेजता है। कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली नॉर्मली वही होता है। तो हम फिर आप क्या लिखेंगे, रिजोल्व फर्दर दैट, रिजोल्व फर्दर दैट मिस्टर एक्स, या हमने मिस्टर रित्ते का नाम लिखा था, सॉरी मिस्टर एक्स कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। इस लाइन को याद कर लेना और हर जगह यही लिख कर आना है, हर जगह, मतलब जहां सीएस की अपॉइंटमेंट की बात हो वहां नहीं, बट नॉर्मली हर जगह ये लाइन लिखकर आओगे, बहुत सही लगेगा, याद ही कर लो। रिजोल्व फर्दर दैट मिस्टर एक्स कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बी एंड इज हेयर बाय ऑथराइज टू इंटीमेट द कंसर्न्ड आरओसी and file such documents or sign such papers as may be required to give effect to said resolution।
हां जी बताओ, क्या इसमें कुछ मुश्किल लग रहा है? या फिर आप सिंपली लिख सकते हो इसमें DII 12 जाएगा, सिंपली आप उसको DII 12 जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो? रिजोल्व फर्दर दैट एक्स अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बी एंड इज हेयर बाय ऑथराइज्ड टू फाइल DII 12 टू ROC। ये आप सिर्फ इतना लिख सकते हो। बट अगर आप ये लाइन लर्न कर लोगे, इससे क्या होगा, थोड़ी लेंथ भी बढ़ जाएगी और आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं? हेलो, समझ रहे हो ना लाइको? बताओ क्या इसमें कुछ मुश्किल लग रहा है आपको? जल्दी बता दो, क्या इसमें कुछ मुश्किल लग रहा है? क्या कुछ मुश्किल लग रहा है? फटाफट बताओ क्या हो गया चीजें? एक और दे दूं? आप लोगों को एक और दे दूं? एक और दे दूं? आइए, एक और देती हूँ, एक मिनट रुको। आइए, अब मुझे ये बताओ, एक आपने मेरे को एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके दिखाओ, बहुत सिंपल सा दे देती हूँ मैं आपको। लेट मी चेक आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा। हाँ, बोर्ड रेजोल्यूशन आपको दे दिया जाए। वेट अ वाइल। हाँ, बोर्ड रेजोल्यूशन लिखो। हाँ, बस इतना ही है और कुछ नहीं करना। बस देखो मेरी बात सुनो, ये सेम रखना है, रिजोल्व दैट सेम रखना है, फर्दर दैट वाली लाइन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, सब सेम रहेगा। बस यहां पे चेंज कर लेना, जो भी मैटर दिया उसके अकॉर्डिंग यहां पे चेंज कर लेना, जो भी मैटर दिया उसके अकॉर्डिंग यहां पे चेंज कर लेना। दैट इज बोर्ड, ठीक है, दैट इज ऑल। आइए आओ, बोर्ड रेजोल्यूशन For raising money by way of deposit, ये लिख लो बस, ये आप लोग लिखकर दिखा दो मुझे, मुझे WhatsApp कर देना। Board resolution for raising money by way of deposit, एक बार दोबारा, Board resolution for raising money by way of deposits। अब मेरे को एक बात बताओ, अब लेटर सपोज मेरे को एक बात बताओ, लेटर सपोज मैं मनी ले रही हूं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हूं मेंबर से, किससे एक्सेप्ट कर रही हूं? मेंबर से। सेक्शन कौन सा लगेगा? 73। सेक्शन कौन सा लगेगा? 73 लगेगा। पास क्या होगा? हां जी, पास क्या होगा, जल्दी बताओ क्या पास होगा? बच्चे सजेस्टेड आंसर्स वाले में मत देखो, ना तुम वैसा लिख सकते हो और ना ही तुम्हें वैसा लिखना है। ये लिख कर आओगे आराम से 3 नंबर मिलेंगे, 3 से 4 आराम से। बस मुझे ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या पास? 73 लगेगा। मेंबर से एक्सेप्ट करते हैं तो क्या लगता है? BR लगता है, SR लगता है, OR लगता है, क्या लगता है? बस मुझे ये बता दो, जब आप मेंबर से डिपॉजिट से एक्सेप्ट करते हो तो क्या पास होता है? बस ये बता दो फटाफट से, क्या पास होता है? क्या पास होता है? BR, बस BR पास होता है। अब यहां हम सिर्फ BR की बात कर रहे हैं, वैसे पास तो OR होता है, OR भी तो पास होता है ना राजे, बट हम यहां पे सिर्फ BR की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ड्राफ्टिंग बोर्ड रेजोल्यूशन ओनली, वी आर ड्राफ्टिंग बोर्ड रेजोल्यूशन ओनली। अब मुझे ड्राफ्ट करके बता दो, दैट्स इट, अब मुझे ड्राफ्ट करके बता दो फटाफट से, जल्दी जल्दी बता दो। बाहर नहीं है, मतलब मैं मेंबर से डिपॉजिट से एक्सेप्ट कर रही हूं, सिंपल सा रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, उसके बाद मैं ड्राफ्ट करती हूँ, उसके बाद मैं ड्राफ्ट करती हूं। उसके बाद मैं ड्राफ्ट करती हूं, बस ये करके दिखा दो मुझे जल्दी।
जल्दी बता दो, बहुत बेहतरीन चीज करेंगे। अच्छा बस मुझे ये बताओ, क्या जब आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हो तो साथ में क्या ओआर भी पास होता है? बिल्कुल पास तो होता है, पर मेरे को ड्राफ्ट क्या करना है? सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना। आप मुझे ड्राफ्ट, आई गेस आपको सब चीजें पता है, बस मुझे भेज दो, बस मुझे भेज दो, ड्राफ्ट करो, 5 मिनट है, मैं आप लोगों के साथ हूं। ड्राफ्टिंग नोटिस आज आपको आपकी बड़ी बहन करा के भेजेगी, मेरी गारंटी है, कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी, प्रॉमिस। कम से कम जितने रेजोल्यूशन कर सके उतने तो करके भेजेंगे, सो दैट पेपर में आपको डर ना लगे। और जो सजेस्टेड आंसर वाला था ना, जो मॉक एग्जाम में था, वो भी करा दूंगी। स्टार्टिंग का दिखा दूं? अच्छा स्टार्टिंग का तो ये रहा, स्टार्टिंग तो आई गेस हम लोगों ने यहां से की थी। मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं ऑनलाइन नहीं हूं, मतलब तुम्हारे मैसेजेस देख रही हूं। हाँ बोर्ड मीटिंग ही होगा ना, बिकॉज बीआर पास कर रहे हैं ना, ओआर पास कर, अभी तो ओआर मैंने आपको सिखाया ही नहीं, यू नो बीआर की बात कर रहे हैं अभी तो हम। हाँ जी जल्दी, स्टार्टिंग का ये रहा, बचे ही रहा स्टार्टिंग का। हाँ जी हाँ बिल्कुल होगा बच्चे, अभी आप बच्चे ना बहुत पैनिक कर रहे थे रेजोल्यूशंस के लिए, सो आई थॉट पहले रेजोल्यूशन करा दूं। बिल्कुल होगा रजे, टेंशन नहीं लो किसी भी बात की, मैं करा रही हूं ना। चले आगे, क्वेश्चन ये है, तुम कहोगे तो मैं ड्राफ्ट करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ड्राफ्ट करा दूंगी। हाँ पेनल्टीज का ना, पेनल्टी का भी मैं आपको परसों तक, मैक्सिमम परसों तक का टाइम दो, पूरा चार्ट एकदम आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। अब इधर देखो, आई गेस जिनका हो गया होगा हो गया होगा, अब जिनका नहीं हुआ मैं कराती हूँ, अब मैं कराती हूँ, ध्यान से सुनो। बॉक्स में बना ले, तुम बॉक्स बना लेना, मेरा तो बना ही हुआ है, मेरा तो ये बॉक्स है, बना लेना। रेजोल्यूशन किसका पास कर रहे हैं? रेजोल्यूशन किसका पास कर? रेजोल्यूशन फॉर रेजिंग ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, यस और नो? रेजोल्यूशन, आ जाओ मेरे साथ नोट डाउन कर लो, रेजोल्यूशन फॉर रेजिंग मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर, है ना? ठीक है, टाइप ऑफ मीटिंग कौन सी है? बोर्ड मीटिंग।
मेरे साथ साथ लिखना जरूर है, मैं आपको सारे लिखवा दूंगी। टाइप ऑफ मीटिंग कौन सी है? बोर्ड मीटिंग। और टाइप नेचर ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? बोर्ड रेजोल्यूशन। नेचर ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? बोर्ड रेजोल्यूशन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कभी भी रेजोल्यूशन में नेवर 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 एवर यूज द शॉर्ट फॉर्म, नेवर एवर। एक सेंटेंस 10 बार रिपीट हो रहा है, उस कंपनी सेक्रेटरी को सीएस नहीं, कंपनी को नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया यार, रेजोल्यूशन को आप फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हो, फॉर्मल लैंग्वेज में कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं होती। जहां तुमने शॉर्ट फॉर्म यूज करी, जहां 2-2.5 नंबर मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हें बता रही हूं। मैम रिजोल्व फर्दर दैट में क्या लिखना है समझ नहीं आ रहा, मैं बता रही हूं, आ जाओ, मैं बता रही हूं, यहां तक डन। अब आओ लिखना स्टार्ट करते हैं, रिजोल्व दैट। अब बच्चे कह रहे रिजोल्व फर्दर दैट में क्या आएगा, मुझे एक बात बताओ, जब भी मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं डीपीटी 1 इश्यू होता है या नहीं? बिल्कुल इश्यू होता है। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स भी जाती है या नहीं जाती? बिल्कुल जाती है। तो मेरे बच्चे दो काम तो हो गए ना एक्स्ट्रा, ये सुनो, तो दो रिजोल्व फर्दर दैट बन जाएंगे ना इसमें। मतलब क्या है कि आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आ जाओ, रिजोल्व दैट। अब मान लो मेरे को सेक्शन नहीं आता, मैं मान के चल रही हूं सेक्शन नहीं आता, आ जाओ, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद ऑल द रूल्स एज अमेंडेड टिल डेट। क्लियर? इस केस में मान लो मेरे को वैसे तो पता है सेक्शन 73, बट अगर सेक्शन मेरे को नहीं आता तो मैंने लिख दिया, देखो अब मैंने लिख दिया, इसमें सेक्शन की कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि एग्जामिनर को बस यही देखना है कि आपको रेजोल्यूशन का स्ट्रक्चर आता है या नहीं। आता है तो उसके लिए वही बहुत है, वो आपको 3 नंबर वही के वही दे देगा। मैं कह रही हूं लाइन रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो। रिजोल्व दैट इन पर्सुएंट टू सेक्शन दिस ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद ऑल द एप्लीकेबल रूल्स अमेंडेड टिल डेट। अगर नहीं आता रिजोल्व फॉर रिजोल्व दैट इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेबल प्रोविजन। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, जो ये क्वेश्चन है, मतलब मेरे को मेंबर से डिपॉजिट रिसीव करने हैं, कि इसके लिए ओआर भी पास होगा? बिल्कुल। अगर मान लो बीआर पास हो गया, ओआर नहीं पास हुआ, तो क्या बीआर की कोई वैलिडिटी है? नहीं। तो क्या इसमें मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि ये अप्रूवल, ये रेजोल्यूशन तभी वैलिड होगा जब मेंबर्स की भी अप्रूवल आ जाएगी? ध्यान से, रेजोल्यूशन में कभी वर्ड शेयर होल्डर्स मत लिखना, हमेशा लिखना मेंबर्स, अमेंडेड टिल डेट एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर। ध्यान से, अगर यहां पे लेट सपोज अगर यहां पे सिर्फ बीआर पास हो रहा होता ना, ओआर पास होना होता ना एसआर, क्या सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर आता? नहीं। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर क्या है? क्योंकि इसके बाद क्या पास करना है? ओआर। क्या पास करना है? ओआर। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी B and is hereby authorized to raise money from members by way of deposit। देखो अंदर का आप अपने मन से लिखोगे, on behalf of company up to an amount, एक amount लिख देना जो भी आपका amount है इतना, done। यहां तक done। उसके बाद जब deposits आपको लेने होते हैं, आपको DPT-1 issue करना होता है, yes or no, फिर resolved further that a copy of circular DPT-1 containing all the details
of deposits of deposits and placed before board B and is hereby approved. मतलब जो डीपीटी वन था वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया है, अप्रूव्ड. वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया है, अप्रूव्ड. अब उसके बाद लास्ट में देखो जितने भी काम होंगे जितने भी, वो किसको चले जाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी को. किसको चले जाएंगे, कंपनी. तो जो ऊपर वाली लाइन लिखी थी वो एज इट इज नीचे कट पेस्ट कर रही हूं. फिर आगे रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर मिस शुभी, सीएस नहीं लिखना है, मैं लिख रही हूं कंपनी, बी ऑथराइज्ड टू ऑब्टेन सिग्नेचर ऑन सर्कुलर एंड कॉपी ऑफ इट टू बी फाइल्ड विद कंसर्न्ड आरओसी एंड बी ऑथराइज्ड टू साइन सच डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल सच पेपर्स टू गिव इफेक्ट टू दिस रेजोल्यूशन. अब मैम ये तो बहुत बड़ा हो गया, लर्न कैसे करें? तो इधर देखो कैसे लर्न करो. लास्ट वाली लाइन लर्न नहीं हो रही ना, तो मैं बताऊं क्या लर्न कर दो. Resolved further that Miss Shubhi, company secretary of the company, be authorized to sign such documents and file such papers to give effect to this resolution. बस ये भी लिख कर आओगे तो भी चलेगा. अगर मान लो तुम्हें कुछ पता ही नहीं रेजोल्यूशन का, तो ये भी लिखाओगे तो भी चलेगा. समझ रहे हो? Resolved further that Mr. This, the company secretary of the company, B and is hereby authorized to sign all such documents and file all such papers as necessary to give effect to this resolution. That's all. वो भी completely चलेगा. B and is hereby authorized. मतलब इसी time resolution pass हो रहा है ना, इसी time से वो effect में आ रहा है. क्या clear हो गया? क्या थोड़े थोड़ा resolution लिखना आया? क्या confidence आया बताओ? क्या थोड़ा सा confidence आ गया? क्या एक और हो जाए बताओ. कॉमा नहीं है बच्चे, वो इन्वर्ट, ये सिर्फ एंड में इन्वर्टेड आएगा, लास्ट में नहीं आएगा इन्वर्टेड में. ट्राई करो कि ड्राफ्टिंग में कट मत करो, बिकॉज वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है. थोड़ा सा सोच समझ के, 2 मिनट का टाइम लो, अपने माइंड में बना लो आंसर्स, थोड़ा सा रफ शीट पे लिख लो, उसके बाद ही ड्राफ्ट में उतारो. क्योंकि ड्राफ्टिंग एक फॉर्मल चीज है, उसमें अगर तुम कटिंग कर दोगे तो यार वो देखने में खराब लगता है. तुम खुद सोचो. एक और हो जाए बताओ, मजा आ रहा है क्या? कुछ समझ आ रहा है तो मैं और नलायक हूं? चलो आओ एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें देती हूं. एक और क्वेश्चन आपको, बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है, अपने आप करोगे अभी. बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग, हाँ आरओसी लिखते हो, रजिस्ट्रार लिख दो, फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी. हाँ जी, हाँ जी लिख दो. सिर्फ क्या लिखना है, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर इंक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. दैट्स इट. कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, सिग्नेचर का स्पेस कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है. सिग्नेचर का कोई स्पेस वेस्ट नहीं जाएगा. लिख दो. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर.
हाँ जी रेजोल्यूशन का क्वेश्चन ऐसे कभी भी नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको बहुत कुछ सिखा दूंगी मैं, और भी बहुत कुछ है इसमें। बस आज आज का मतलब मेरे को आज 1.5 घंटा आराम से दे दो बिना पैनिक करे। मैं आपको ड्राफ्टिंग मतलब इतना है कि यार 5 में से 3 तो कहीं नहीं जाएंगे, इतना करवा दूंगी। और बहुत होते हैं यार, अगर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अगर इतना आपका हो गया तो, बस मेरे को एक बार ड्राफ्ट करके भेज दो। लास्ट में कोई स्पेस कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को भेज दो, मैं देखती हूँ। आप लोगों ने जो भेजा है वो मैं देखती हूँ। देखो थोड़ा सा स्पेस में लिखो, थोड़ा सा स्पेस में, और ट्राई करो कि तुम लोग बॉक्स बना लो, क्योंकि तुम्हारा बिना बॉक्स के मेरे को सही नहीं लग रहा। मतलब ट्राई करो, ठीक है? टू अप्रूव नहीं, बोर्ड ऑफ, देखो पता नहीं किसने लिखा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी एंड इज हेयर बाय ऑथराइज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द मेंबर्स, इतना लिखो, फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग दिस। प्रॉपरली अमाउंट फिगर्स एज्यूम कर लो ना, फिगर्स एज्यूम कर लो। बिल्कुल ठीक है, आई डोंट नो ये किसने लिखा है, मतलब आनंद चौहान, हाँ ठीक लिखा है, ठीक लिखा, ग्रेट, मतलब मिल जाएंगे नंबर। हाँ बट ये किसने लिखा है, उसने टाइप ऑफ मीटिंग नहीं लिखा, यशिका, टाइप ऑफ मीटिंग वगैरह वाला वो नहीं है ना आप में, कि टाइप ऑफ मीटिंग और कौन सा रेजोल्यूशन है। थोड़ा सा ट्राई करो कि डिटेल्स डालो, थोड़ा सा ट्राई करो कि डिटेल्स डालो। यस सिमरन, मुझे पता नहीं बच्चे कौन सा क्वेश्चन सेंड किया था, मैं कर देख लेती हूँ। चलो एक और ड्राफ्ट करा दूं, एक बार और ड्राफ्ट करा दूं, लास्ट एक बार ड्राफ्ट कर लें बोर्ड रेजोल्यूशन एक और, उसके बाद फिर हम स्पेशल मतलब ऑर्डिनरी और स्पेशल में चलेंगे, बट रेजोल्यूशन इसी की तरह होंगे। ध्यान से देखो, बस अगर एक रेजोल्यूशन है जिसमें सिर्फ बीआर पास होना हो तो सिंपल लिख दोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, बट अगर कोई रेजोल्यूशन जिसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी चाहिए हो तो वहां सिर्फ एक लाइन ऐड कर देनी है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। शेयर होल्डर वर्ड नहीं आएगा, क्या लिख दोगे, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर। अब कोई रेजोल्यूशन है जिसमें मेंबर्स का भी अप्रूवल चाहिए और अथॉरिटी का भी, तो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स एंड कंसर्न्ड अथॉरिटी, दैट्स इट, राइट, दैट्स इट। पोस्टल बैलेट भी सिखा रही हूं, पोस्टल बैलेट भी सिखा रही हूं, टेंशन नहीं लेने। एक बार ये सिखा दूं, ये सिखा दूं, कर रहे हैं तो अच्छे से ही करते हैं, जितना टाइम लगेगा लग जाएगा, बट आज आए हैं तो सारा कुछ करके ही जाते हैं। आओ आ जाओ, सबसे पहले मेरा बॉक्स बना हुआ है, इनके बोर्ड रेजोल्यूशन देखो, मैं भी आप लोगों के साथ ड्राफ्ट करवा रही हूं, मतलब अचाहती तो मैं उसी में चेंज कर सकती थी, बट आई वॉन्ट कि यार आपको ऐसा फील ना हो, आप भी मेरे साथ लिखो बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज्ड। अंशिता अभी आपके लिए वो सब रेलिवेंट नहीं है यार, अभी लिए नो लिटिल नॉलेज को थोड़ा प्रेफर मैं तो नहीं करती, खैर बट अब करना पड़ रहा बिकॉज ड्राफ्टिंग के लिए मैं वही चाहिए, प्रॉपर तो अभी नहीं हो सकता ना, बट जितना मैं करवा रही हूँ मोर मोर 1000% इनफ है, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, आई गेस डन। अब अगर आपको याद हो सेक्शन 61 लगता है और 64 भी लगता है, क्योंकि एसएस 7 फाइल होगा, 64 में लिखा हुआ है, बट मैं सेक्शन 61 ही लगा रही हूं, दैट्स इट। अब आओ टाइप ऑफ मीटिंग लिख देना,
और नेचर ऑफ रेजोल्यूशन लिख देना, यस और नो, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन लिख देना, डन। आ जाओ आगे, अब आओ सिंपली स्टार्ट करते हैं रिजॉल्व दैट। कैपिटल में लिखेंगे रिजॉल्व दैट, ये लाइन तो याद होगी, इन परसुएंट टू सेक्शन 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, एंड ऑल अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस, या ऑल या तो ऑल अदर एप्लीकेबल प्रोविजन या फिर रेड विद कंपनी या फिर रेड विद द एप्लीकेबल रूल्स एज अमेंडेड टिल नाउ, कुछ भी लिख सकते हैं, एंड ऑल अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं शुभी, बिल्कुल, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द रेलिवेंट रूल्स फ्रेम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कुछ भी, कितनी सारी चीजें होगी देखो, एंड द रेलिवेंट रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। अब चलो ये सब लिख दिया, इसमें से एक भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना सब लिखना नहीं, ये मैंने इसे लिखवाया ताकि पास आपके मैक पे पास मैटर की कमी ना पड़े। अब देखो, अब ये अगर सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना होता तो इसमें चलता, बट क्या इसमें ओआरबी पास होना होता है, मतलब शेयर होल्डर नहीं मेंबर्स लिखेंगे, क्या मेंबर्स का सॉरी मेंबर्स की एक्सेप्टेंस भी चाहिए, यस और नो, एंड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, एंड सब्जेक्ट to the approval of members, members of the company, the board of directors, the board of directors, rule का name आता है तो बिल्कुल लिख दो बच्चे, आता है तो बिल्कुल लिख दो, द बोर्ड मतलब प्रेफरेबल होता है रूल का नेम लिखना, बहुत अच्छी बात है, मैं ज़ूम करके चल रही हूँ कि तुम्हें सेक्शन ही नहीं आता राइट, तो रूल्स इसलिए नहीं मैं लिख रही हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बी एंड इज हेयर बाय ऑथराइज्ड टू इंक्रीज the authorized share capital of the company from, मतलब authorized increase कर रहे हैं ना तो आपको एक amount भी बताना पड़ेगा, let us suppose from this amount, ठीक है, कितने shares थे उसमें और कितने रुपए में divided थे, divided into इतने shares of इतने rupees to, रुपीज इतना डिवाइडेड इन इतने शेयर्स, रुपीज इतना, डन यहां तक, आई गेस डन, बहुत इजी है। फिर रिजॉल्व फर्दर दैट अच्छा, जब आप रजी ऑथराइज्ड कैपिटल चेंज करोगे तो आपका एमओए में भी चेंज आएगा, यस और नो, जब आप ऑथराइज्ड कैपिटल चेंज करोगे तो आपका एमओए में भी चेंज आएगा, अगर आपको ये नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो तो बेसिक नॉलेज चाहिए, ये ऑप्शन मतलब लिखना तो वैसे तो देखो एज अ प्रोफेशनल तो मैंडेटरी है लिखना, बट एज अ स्टूडेंट कई बार बच्चों को याद नहीं होता कि यार ऑथराइज्ड कैपिटल चेंज हो रही है तो एमओए में आएगा, बट मैं लिख रही हूँ रिजॉल्व फर्दर दैट इन पर्सुएंट टू applicable provisions of the Companies Act, the capital clause of MOA, आपने memorandum लिखना है, is substituted. Done. is substituted with the following clause in the sense, यार पहले इतनी थी the authorized share capital, इतनी इतनी बढ़ गई है तो
सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, द कैपिटल क्लॉज ऑफ एमओए स्टैंड अल्टर्ड, और द कैपिटल क्लॉज ऑफ एमओए इज सब्स्टिट्यूटेड विद द विद न्यू कैपिटल, राइट, विद न्यू ऑथराइज्ड कैपिटल, ये भी लिख सकते हो. डन. उसके बाद एसएच 7 फिर रिजॉल्व फर्दर दैट. फिर एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या तो कोई डायरेक्टर हो सकता है या सीएस हो सकता है, तो आप या तो सीएस लिख सकते हो या डायरेक्टर लिख सकते हो, मैं सीएस लिख रही हूँ. प्रोवाइडेड फर्दर दैट मिस्टर दिस सीएस ऑफ कंपनी बी एंड इज हेयर बाय. फिर उसके बाद वो सारी सीजे जो डू डू ऑल सर्च एक्ट, टू साइन ऑल सर्च पेपर्स एज आर नेसेसरी टू गिव अफोर्सेड रेजोल्यूशन, वो सब चीज है. आई गेस अब मुझे बताओ क्या आप बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर लोगे? देखो रेजोल्यूशन एक ही होता है, अगर बोर्ड है तो उसमें डिटेल्स बोर्ड की डाल दोगे, ऑर्डिनरी है तो उसकी डाल दोगे, स्पेशल है तो उसकी डाल दोगे, दैट्स इट. क्या यहां तक क्लियर है कि बोर्ड रेजोल्यूशन मेरे हर बच्चे को क्लियर है? फटाफट बता दो, क्या बोर्ड रेजोल्यूशन मेरे हर बच्चे को क्लियर है? बताओ बताओ, क्लियर है? डन. चले आगे, स्टार्टिंग से जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज हमने आगे और भी बहुत कुछ कवर करना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो. डन. चलो बोर्ड रेजोल्यूशन डन. अब मैंने आपको एक रेजोल्यूशन के ऊपर करवाया था कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर. अब जब आप मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करोगे तो क्या ओआर भी पास होगा? यस और नो? क्या ओआर भी पास होगा? बिल्कुल बिल्कुल ओआर पास होगा. अब आओ, अगर मेरी बात सुनो, अभी अगर क्वेश्चन में लिखा है बोर्ड रेजोल्यूशन तो बोर्ड रेजोल्यूशन, बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ रेजोल्यूशन लिखा है तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करोगे अगर उसमें लगता है. मान लो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन उसमें पास ही नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर तो बोर्ड ही आ जाएगा, बट अगर सिर्फ रेजोल्यूशन लिखा है मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. डन. आइए चलो, अगर मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है तो लिखेंगे सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स. सिंपली एक लाइन ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर. अब ऊपर वाला केस है जिसका हमने बीआर ड्राफ्ट किया था उसी का ओआर ड्राफ्ट कर रहे हैं. रेजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, रेजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर और पब्लिक. सॉरी अब तो मेंबर से ही कर रहे हैं ना. आ जाओ. डन. बॉक्स बना लेंगे. टाइप ऑफ मीटिंग कौन सी है रजे? जर्नल मीटिंग आएगी अब, ये तो आप चेंज कर ही सकते हो ना बच्चे. एक ही बात, एक में एक एक काम, मतलब एक क्लास में एक ही चीज हो सकती है ना रजे. अब आप लोग रेजोल्यूशन कह रहे थे तो मैंने सोचा पहले रेजोल्यूशन करा दूं, उसके बाद वो करा देंगे. टाइप ऑफ मीटिंग जर्नल मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन कौन सा, ऑर्डिनरी या स्पेशल? ऑर्डिनरी, राइट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू. अब स्टार्टिंग इसकी भी रिजोल्व फर्दर, रिजोल्व दैट से ही होगी, फिर रिजोल्व फर्दर, मतलब दोनों सेम है, राइट. आइए स्टार्ट करते हैं. रिजोल्व दैट एसआर भी बता देंगे, एक बार ओआर तो कर लो, धीरे धीरे आगे चलेंगे ना रजे. रिजोल्व दैट, अब सेम जैसे एफबीआर ड्राफ्ट करते हैं, परसुएंट टू सेक्शन 73. अब बच्चे कह रहे थे ना रूल्स नहीं लिखे, आ जाओ 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजन. उसमें हम लिखते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी एंड इज हेयर बाय ऑथराइज, यस और ना, वो बोर्ड रेजोल्यूशन था. बट इसमें देखो क्या ये सेम है,
क्या ये सेम है? फिर क्या आएगा? द कंसेंट ऑफ मेंबर, द कंसेंट ऑफ मेंबर, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है था, इसमें आ जाएगा कंसेंट ऑफ मेंबर बी एंड इज हेयर बाय अकॉर्डेड टू कंपनी इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर, इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर. डन? यहां तक पक्का? पक्का. उसके बाद यहां तक आई गेस डन है. क्या समझ आया? कुछ भी नहीं है भाई, बोर्ड की जगह मेंबर्स आ जाएगा, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है. क्या क्लियर हुआ राजे? क्या क्लियर हुआ? डीपीटी वन वाली बात इसमें भी आएगी, पर उसमें डीपीटी वन अप्रूव किसने किया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने. यस और नो? उसमें मेंबर्स, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया था, इसमें सर्कुलेशन हो जाएगा उसका. लिखो, रिजॉल्व फर्दर दैट सीएस लिख देना, मतलब नाम, फिर सीएस ऑफ कंपनी बी एंड इज हेयर बाय ऑथराइज टू इश्यू सर्कुलर. अब ध्यान से, उसमें बी आर वाले में सर्कुलर इश्यू नहीं हुआ था, उसमें बोर्ड ने डीपीटी वन को ऑथराइज किया था, इसमें सर्कुलर क्या हो रहा है? इश्यू. टू ऑथराइज टू इश्यू द सर्कुलर इन फॉर्म डीपीटी वन टू ऑल द मेंबर्स which has been approved by board of directors. फिर उसके बाद जो सेम लाइन आती है, resolve that the CS of the company B and is hereby authorized to sign all such documents and file all such papers as are necessary to give effect to this resolution. That's all. सिर्फ ये देखो, OR क्या कुछ मुश्किल है मुझे बताओ, क्या कुछ मुश्किल है OR? क्या कुछ मुश्किल है ओआर? बी आर ओआर क्या कुछ मुश्किल? मुझे लग रहा है यार तुम्हारे जैसों के लिए क्या मुश्किल, बताओ. एक और तरीका होता है लिखने का, वो भी मैं आपको बताती हूं. क्या डन? चलें आगे. बताओ, कुछ तो बोलो. मौन व्रत रख लिया कि सबने टाइपिंग का व्रत रखा है? आ जाओ, हेलो नलायक हो. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. जर्नल मीटिंग के रजे जब मैं बात करती हूं तो दो टाइप के रेजोल्यूशन आते हैं, यस और नो? एक आता है ओआर और एक होता है एसआर. और बिजनेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस. एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल. क्या स्पेशल के साथ राज्य एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाती है, यस और नो? तो अगर मेरे को स्पेशल बिजनेस की ड्राफ्टिंग करनी आ गई तो क्या रेजोल्यूशन के साथ साथ मैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेजूंगी, हाँ या ना? क्या रेजोल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेजूंगी, बताओ? क्या वो भी भेजूंगी, यस और नो? सिंपल सी बात है. अब आओ, अब आपको एक प्रैक्टिकल चीज दिखाती हूँ. प्रैक्टिकल चीज ये आपके सामने ना, ये आपके सामने रिपोर्ट है, इसमें मैं आपको दिखाती हूं जो हमने की है. ये रिपोर्ट है, इस देखो, जर्नल मीटिंग का नोटिस होगा इसमें. आजा 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 आजा. कहां है यार ये? तो ग्रोथ आ गए. हाँ, ये देखो, ऑर्डिनरी बिजनेस, राइट? ऑर्डिनरी बिजनेस, पहला ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? टू अडॉप्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी. इधर देखो, पहला ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? टू अडॉप्ट द ऑर्डिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. क्या इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास करा रहे हैं उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन दी है, यस और नो? वो हमेशा हम भी लिखते हैं.
टू कंसीडर एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग इतना, फॉर द ईयर एंडिंग इतना। अब ये वाली लाइन अगर आपको याद करनी है तो याद कर लो, नहीं करनी तो याद नहीं याद करो। देयर ऑन एंड इफ थॉट फिट टू पास विद और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रिजोल्व दैट members B and hereby consider and adopt the financial statement for the year ending इतना comprising of the balance sheet, ये cash flow, ये जो उसमें आता है इतना। देखो क्या इतना आ गया, yes or no? क्या ये resolution जो आपने draft किया है बिल्कुल वैसा वैसा ही है, तुम्हें नहीं लग रहा? और अगर आप देखो, resolve further that the director या company secretary is hereby authorized to do all such checks and things to sign all such documents as may be necessary, क्या जो हमने किया है क्या प्रैक्टिकल लाइफ में भी रेजोल्यूशंस वैसे ही ड्राफ्ट होते हैं, यस और नो? ये देखो, ये देखो, क्या इसमें कुछ मुश्किल है? क्या इसमें कुछ मुश्किल है? बस ये याद करना, जब आप हेडिंग लिखते हो ना, द रेजोल्यूशन फॉर अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप ओआर एसआर पास करते हो तो उसमें आप लिख सकते हो एंड इफ थॉट फिट टू पास विद और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इससे पता लग जाता है ऑर्डिनरी है या वो है। सेक्शन आता है तो लिख दो बच्चे, वैसे तो मैंने लिखा है बट इन्होंने नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, आगे चले, एक और क्वेश्चन दे दू, एक और क्वेश्चन दे दू बच्चे, एक और क्वेश्चन दे दू। आइए, क्वेश्चन दे दूं, आई एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं, एक सिंपल सा, बहुत इजी आप लोगों के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर कहां अपॉइंट होता है? जर्नल मीटिंग में, ये तो पता है। अंटिल अनलेस कुछ नहीं लिखा तो हम नॉर्मल डायरेक्टर मानेंगे, हम नॉर्मल डायरेक्टर मानेंगे। एज्यूम ऑल द फैक्ट्स, एज्यूम ऑल द फैक्ट्स, हर फैक्ट एज्यूम कर लो, हर फैक्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन लिख लो, दैट्स इट। अपॉइंटमेंट डायरेक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन सिर्फ। चलो उसके बाद फिर एसआर पे चलते हैं। मतलब रेजोल्यूशन तो सब एक ही है यार, बोर्ड की, बोर्ड का आएगा तो बोर्ड की डिटेल्स, ओआर आएगा तो ओआर, एसआर आएगा तो एसआर, बाकी तो सेम ही है। चलो मतलब वो रेजोल्यूशन है उन पे डिसीजन आते हैं, और जो मिनट्स में रेजोल्यूशन होते हैं उन पे डिसीजन आ गए होते हैं। जो मैंने आपको दिखाया उस पे डिसीजन आना था, दैट इज वाई लिखा था कि आप उसे एज अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, बट हम वही करेंगे जो आ गए हैं तो हम उस लाइन को याद नहीं करेंगे। फटाफट से लिख दो, फटाफट से, फिर आगे चलते हैं, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पे चलते हैं। आइए, आई गेस इसमें सिर्फ अगर हम इतना भी लिखें तो भी काफी होगा, येस और नो? कि रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, रिजॉल्व फॉर रिजॉल्व दैट इन पर्सुएंट टू सेक्शन 152 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रेड विद द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस इफ एनी। ठीक है, फिर उसके बाद लिख सकते हैं द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज हेयरबाय अकॉर्डेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द दिस एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, फॉर सॉरी मिस्टर ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैविंग डन दिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, राइट, डन फ्रॉम इफेक्ट दिस, रिजॉल्व फर्दर दैट द सीएस इज हेयरबाय ऑथराइज्ड टू डू फाइल ऑल सर्च पेपर्स, लाइक इजी है, यस और नो? इजी आएगा, डन। अब बात करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन की, सॉरी स्पेशल बिजनेस की। बच्चे जब जब आपको स्पेशल बिजनेस ड्राफ्ट करना आए ना, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जरूर लिखना है, रिक्वेस्ट यू, उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जरूर लिखना, डन। आइए, अब मैं आपको दे रही हूं, अब मैं आपको देती हूं
पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन दे रही हूं। पास्ट ईयर क्वेश्चन, आइए ड्राफ्ट अ स्पेसिमेन रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू चेयरमैन ऑफ लिस्टेड कंपनी। चेयरमैन है एमडी भी है साथ में, मतलब चेयरमैन और एमडी वही है कंपनी का, लिस्टेड कंपनी, ठीक है। एज्यूम ऑल सच फैक्ट्स, पांच नंबर का क्वेश्चन है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखो, इट इज अ नॉर्मल बिजनेस, ऑर्डिनरी और स्पेशल, स्पेशल तो क्या रेजोल्यूशन के साथ साथ इसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी ड्राफ्ट करोगे आप? बिल्कुल, मतलब करनी तो चाहिए, बट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हमारे एग्जाम में आती नहीं है, आएगी भी तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स लिख देनी है, दैट्स इट। इसमें आप बस मुझे रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके सिखा दो, दैट्स इट, सिर्फ रेजोल्यूशन मेरे को भेज दो, मैं हूं, और उसके बाद फिर हम ये करने के बाद फाइनली विल मूव टू नोटिस। हाँ जी कर दो, फटाफट से कर लो, फटाफट से। ला 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 ला, मेरे को व्हाट्सएप 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 व्हाट्सएप, मजा आ रहा है रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने में, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस, पीछे नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, मैं बता रही हूं जो चीज नहीं आती है वो कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भेज दो, मुझे भेज दो, उसके बाद आ गई तुम। अच्छा जहां जहां डायरेक्टर की आई एसआर ही पास होना, इसमें वही करवाऊंगी ना, रेजोल्यूशन तो सेम ही है यार, एसआर ओआर क्या, रेजोल्यूशन तो रेजोल्यूशन ही है ना, करवा अभी इसमें एसआर है कराती हूँ। अब ध्यान से देखो, जहां जहां नॉर्मली डायरेक्टर की बात आएगी ना, तो ये जरूर लिखना मिस्टर ए हैविंग डिन नंबर इतना, ठीक है, बिकॉज वो डायरेक्टर है और डायरेक्टर के लिए डिन मैंडेटरी होता है, तो मिस मिस दिस लेटर सपोज मिस यशिका हैविंग डिन इतना, ठीक है। नो बच्चे दिस इज नॉट फॉर प्रोफेशनल, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक, एंड प्रोफेशनल का लेवल आई गेस हम सबको पता है, तो ऑब्वियसली इट्स फॉर एग्जीक्यूटिव ओनली। चलो अच्छा तो हम चलते हैं, क्या बात है ईशिका, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हमें भी ड्राफ्ट करके दिखाओ आपने कैसा किया था कि आपको 4 मार्क्स मिल गए, बिकॉज ड्राफ्टिंग में 4 मार्क लाना इज लिटरली अ बिग डील। हाँ जी बच्चे लाने वाले हैं बिल्कुल, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कल से स्टार्ट हो जाएंगे, कल से स्टार्ट हो जाएंगे, टेंशन मत लो, आईसीएसए के जितने हैं ना सब आप प्रिंट आउट करा, मतलब प्रिंट आउट क्या मैं यहीं करा दूंगी। चलो आइए आइए, थोड़ा सा देखो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मेरे करवाने से बात नहीं बनेगी, आपका भी लिखना बहुत जरूरी है, आई गेस आपने लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, टेबल बनाई है ना, टेबल बनाई, सिंपली सिंपली किसका रेजोल्यूशन है, टू कंसीडर एंड अप्रूव अलॉटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी जो हम हेडिंग दिखते हैं, शेयर्स टू मिस पूर्वी डेन, जो भी डेन है, और है कौन, चेयरमैन एंड एमडी। चेयरमैन एंड एमडी, फिर
टाइप ऑफ मीटिंग एंड उसके बाद टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। डन, यहां तक बिल्कुल चल। अब बिल्कुल ठीक है, आ जाओ आगे। फिर आता है रिजॉल्व दैट। रिजॉल्व दैट कौन सा सेक्शन लग रहा है? 54 सब्जेक्ट टू, सॉरी रिजॉल्व दैट सब्जेक्ट टू भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आपने नहीं लिखना है, एंड ऑल अदर एप्लीकेबल प्रोविजन एंड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी चल रही है अभी ये वाली भी, हाँ दी चल रही है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एओए ऑफ द कंपनी द कंसेंट ऑफ मेंबर्स बी एंड इज हेयर बाय अकॉर्ड टू अलॉट इतने इक्विटी शेयर्स एज स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ इतने ईच टू मिस पूर्वी चेयरमैन एंड एमडी हैविंग डन दिस फॉर वैल्यू एडिशन। ठीक है, ही कॉन्टिन्यूज टू क्रिएट फॉर 5 years ठीक है, फिर उसके बाद रिजॉल्व फर्दर दैट द इक्विटी शेयर्स अलॉटेड शेल बी रैंक्ड पारी पैसू विद एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी। दैट्स इट यार, फिर रिजॉल्व फर्दर दैट सीएस वाली बात आ जाएगी। मतलब आप देखो रेजोल्यूशन तो एक ही है, रेजोल्यूशन एक है, आप डरो मत। अब मैम अगर इसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आ गई तो आप ये लिख दो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आ गई क्या लिखना है मैं बताती हूँ, ये लिख लो पहले। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सिर्फ एक्सप्लेन करना है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सिर्फ यार द कंपनी इज अलॉटेड इतने शेयर्स, शेयर रजिस्टर्ड वैल्यू से हो चुके हैं, ये ऐसा हो चुका है, फलाना हो चुका है, ढिमकाना हो चुका है, सिर्फ यही। चले चले आगे, आई गेस डन। पारी पैसू मतलब इक्वल ना, जो हमने किया था सेक्शन 54 में, अगर आप स्वेट इक्विटी कर रहे हो तो दे हैव टू बी रैंक्ड इक्वली। अब आगे चले, लेट्स मूव टू नोटिस, नोटिस पे चले बच्चे। चले आइए,
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखवा दूं? आ जाओ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट उसकी लिखते हैं, ऑथोराइज कैपिटल जो इंक्रीज की थी ना उसकी, आ जाओ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ। ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज की थी, वो भी तो स्पेशल बिजनेस था ना मैम, पर उसमें तो ओआर पास हुआ था। वेरी गुड ना लायको, स्पेशल बिजनेस ओआर जो एसआर पास होता है वो स्पेशल होता है या ओआर पास होता है वो स्पेशल होता है? नलायको जो ऑर्डिनरी के अलावा जितने भी हैं वो स्पेशल है, ऑर्डिनरी कितने हैं सिर्फ चार। ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज की थी ना उसकी, आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखवाती हूँ, आ जाओ। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आओ लिखवा देती हूँ, चलो तुम्हारा सर आंखों पर आओ। देखो The board of directors of company approved the proposal for increasing authorized capital अच्छा क्या बोर्ड रेजोल्यूशन में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगी? बस मुझे यही बता दो, बस मुझे बता दो क्या बोर्ड रेजोल्यूशन में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगी? क्या आएगी बस ये बता दो जल्दी जल्दी, क्या आएगी? क्या बोर्ड रेजोल्यूशन में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगी, यस और नो? दैट्स ऑल, नो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको याद हो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेरे बच्चे, मैंने आपको क्या क्या लिखवाया था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, क्या क्या आएगा कि आपका डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, आपके केएमपी का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, क्या वो भी चीजें लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। आइए, नन ऑफ डायरेक्टर्स प्रमोटर्स केएमपीज की मैनेजर पर्सोनल और देयर रिलेटिव्स आर इंटरेस्टेड और कंसर्न्ड इन सेड रेजोल्यूशन। एजेंडा तो बच्चे बोर्ड मीटिंग का भी होगा और जनरल मीटिंग का भी होगा ना, ठीक है? फिर उसके बाद इन ऑर्डर टू, मतलब ये वाली लाइन आप हमेशा लास्ट में लिखोगे, ये बात ध्यान रखना, लास्ट में लिखनी है। इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द इंक्रीज्ड शेयर कैपिटल, नहीं नोटिस में कोई एजेंडा कुछ नहीं लिखोगे, इट सीक्स द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर, द परमिशन ऑफ मेंबर्स एज रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। देखो सिंपल सी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में भी ज्यादा नहीं लिखना एक्सप्लेन, पर अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आ गई तो दिस लाइन इज मस्ट, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, दिस इज मस्ट, बिकॉज मैंने आपको जब 102 करवाया था उसमें बताया भी था कि आप उसमें बताओगे कि किसी का इंटरेस्ट तो नहीं है। क्या मुझे बताओ रेजोल्यूशन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्लियर है? नोटिस पे चल सकते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रेजोल्यूशन क्लियर है नोटिस पे चल सकते हैं जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो? चल सकते हैं हाँ या ना, फटाफट से बताओ चल सकते हैं? मतलब अगर अमाउंट बताया हुआ है, देखो नहीं बताया तो यू कैन यूज एक्स एक्सेस, राइट? चले आगे नोटिस पे चले,
चलो आइए। देखो नोटिस, और देखो नोटिस या तो बच्चे बोर्ड मीटिंग का जाएगा या जर्नल मीटिंग का जाएगा, यहां तक डन है। अब नोटिस, सिंपल सी बात है यार, आप नोटिस में क्या क्या लिख के भेजोगे? देखो तो बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग लिख के भेजोगे, जर्नल मीटिंग है तो जर्नल मीटिंग लिख के भेजोगे, कंपनी का नाम लिखोगे क्योंकि लेटर हेड पे जाता है, कंपनी का नाम आएगा, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस आएगा, कहाँ मीटिंग हो रही है, मीटिंग कितने बजे हो रही है, क्या ये सब चीजें लिखकर भेजोगे? येस और नो, क्या ये सब चीजें लिखकर भेजोगे? बिल्कुल। आइए कैसे लिखकर भेजोगे ध्यान से, अगर नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग है तो नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग लेटर हेड पे जाएगा, ये बात याद रखना, डेट आ जाएगी टू, अगर डायरेक्टर का नाम दे रखा हो तो टू डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर का नाम नहीं दे रखा होगा तो टू सिंपली लिख दूंगी टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नीचे कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस, डन। नीचे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, बच्चे ध्यान से आप नोट, एजेंडा नहीं अटैच करना है, सिर्फ नोटिस बनाना है, वह हम ये लिख देंगे ये एजेंडा हमने, क्योंकि देखो नोटिस के साथ एजेंडा अटैच होता है, नोटिस के बीच में लिखा नहीं होता, नोटिस के साथ एजेंडा अटैच होता है, ये बात ध्यान से सुनो, हमें सिर्फ नोटिस ड्राफ्ट करना है। कैसे ड्राफ्ट करना है ये देखो, नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है, डेट टू, अगर डायरेक्टर का नाम दे रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर कंपनी का नाम, फिर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट नोटिस ऑफ, मान लो 10th बोर्ड मीटिंग है, नोटिस ऑफ 10th मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर सर या मैम जिसको भी आप दे रहे हो, सर और मैम, नाम दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो सर एंड मैम, ध्यान से, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट 10th मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ गोलमो लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2023 is proposed to held, is proposed to held as per following। आप मेरे बच्चे यहां अपने डिटेल्स दे देंगे, डे एंड डेट, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, ये सारी डिटेल्स आप यहां पे दे देंगे, डे एंड डेट, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, फिर एजेंडा आपने अटैच किया होगा, एजेंडा अलोंग विद नोट्स टू एजेंडा इज अटैच्ड हेयर विद राइट। फर्दर इफ एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज अनेबल टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, he may inform the board by sending leave of absence, kindly
मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग. प्लीज एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ दिस नोटिस. फिर सिंपल आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा यहां पे, ठीक है. दैट्स इट. कम ठीक है, सॉरी, यहां पे आ जाएगा कंपनी का नाम, आपके सिग्नेचर, आपकी क्या डेजिग्नेशन है, आपका ईमेल एंड फोन नंबर. हाँ वो भी लिख सकते हो, यू मे अटेंड द मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. अच्छा ये वाली लाइन भी लिखवा देती हूँ, आ जाओ लिख लो, ये भी लिख लो. यू मे अटेंड द मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड द डिटेल्स ऑफ विच आर इनक्लोज्ड. एक बार ये लिख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इतना बड़ा आपको क्यों लिखवाया. जस्ट राइट इट डाउन. ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, लिटरली बहुत ज्यादा. मान लो अगर बोर्ड बोर्ड मीटिंग का नोटिस आ गया ना, डायरेक्टली उठा के आप वहां लिख सकते हो, बस डिटेल्स चेंज कर लेना. मतलब प्रॉपर नोटिस ड्राफ्ट ही करा दिया मैंने आपको बोर्ड मीटिंग का. अब आपको बस मेरे साथ ही लिखना है, घर जाके कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है. बस पेपर से एक दिन पहले जितने भी मैंने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कराए, जितने भी नोटिस ड्राफ्ट कराए, ये देख लो. अच्छा ये क्या यही डिटेल्स ऑलमोस्ट के जनरल मीटिंग के नोटिस में आ जाएंगी? बिल्कुल. पर वहां क्या प्रॉक्सी फॉर्म वाली बात भी आ जाएगी? क्या वहां प्रॉक्सी फॉर्म वाली बात भी आ जाएगी? बिल्कुल. लिख लो, एक बार पढ़ लो, और पढ़ के एक बार इसी एज इट इज दोबारा लिख लो अपनी नोटबुक में. आप लोगों के लिए हेल्पफुल है ये. लिख लो, हाँ जी. मतलब सिग्नेचर लिख देना वहां, अपने साइन मत कर देना, नॉर्मली जस्ट सिग्नेचर लिख देना, दैट्स इट. ठीक है, क्या समझ आ गया? एक बार फटाफट से बोर्ड बोर्ड मीटिंग का नोटिस देखते हैं. देखो सबसे पहले टू डायरेक्टर्स, कंपनी का नाम, जिनको भेज रहे हैं, सब्जेक्ट फिर डियर सर मैम. उसके बाद आपने बोला कि यार इतना ही मेरी मीटिंग है, यहाँ पे हो रही है, एजेंडा मैंने अटैच कर दिया है. आप ई वोटिंग से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आप आ सकते हो, येस और नो. अगर आप नहीं आ रहे तो अपनी कृपया करके लीव ऑफ एब्सेंस दे दो. ये वन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग, प्लीज एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ दिस नोटिस. दैट्स इट. कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ब्रो, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है. जर्नल मीटिंग का देखो, एक बार आओ जर्नल मीटिंग का देख लो, ये जर्नल मीटिंग का नोटिस तो यही रहा. आ जाओ जर्नल मीटिंग का नोटिस देखो. देखो इसमें खैर शॉर्टर नोटिस है, अगर शॉर्टर नोटिस नहीं होता, मान लो सिर्फ नोटिस ही है, लेट अस सपोज नोटिस ही है, ध्यान से, तो क्या लिखोगे? नोटिस फॉर द 16th एनुअल जर्नल मीटिंग. मान लो 16th है तो जो भी है, नोटिस फॉर द 16th एनुअल जर्नल मीटिंग. नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द 16th एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी का नाम विल बी हेल्ड ऑन इतना इतना इतना, फिर वेन्यू, ठीक है, टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस. अब अगर मान लो बिजनेस नहीं दे रखे तो टू ऑर्डिनरी बिजनेस लिख के अपने आप ही चार बिजनेस लिख देना, और स्पेशल बिजनेस अपने आप ही बना लेना. वो बना लिया आपने. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है नोट क्या, कि जो ऊपर आपने बिजनेस लिखे हैं, पर्सुएंट टू 102 द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस आर एनेक्स्ड. मतलब ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल दिए हुए हैं भाई. अ मेंबर एंटाइटल टू वोट इज एंटाइटल टू अपॉइंट प्रॉक्सी. आप प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है. द नोटिस हमने वो भी भेज दिया, और शैल बी सेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मेंबर टू दोस हुज रजिस्टर्ड एड्रेस विद द कंपनी. मतलब जिसका कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस
आपने रजिस्टर्ड एड्रेस पे भी दिए और कंपनी पे दिए, तो मतलब क्या यहाँ नोट भी बहुत अप्रूव जरूरी है। बोर्ड मीटिंग के नोटिस में, बोर्ड मीटिंग के नोटिस में नोट नहीं आते थे, बट जर्नल मीटिंग के नोटिस में नोट आएंगे, ये बात ध्यान रख लेना। बाकी नोटिस ड्राफ्ट करना इतना नहीं आता, बट अगर आ गया तो क्या आपको बात समझ आ रही है? आई गेस बहुत इजी है नोटिस ड्राफ्ट करने भी, यस और नो? चलें आगे, क्या हम आगे चल सकते हैं? चले बच्चे, लिखवाने की तो उसमें कोई बात ही नहीं है, बस उसमें यही है, उसमें यही है, लिखवाने की तो रजे कोई भी बात ही नहीं है, सेम वाला सारा मैटर है, बस उसमें नोट्स ऐड और हो जाएंगे, दैट्स इट, दैट्स इट। लाइक आई डोंट थिंक कि उसको लिखवाने की जरूरत है। आओ एक पोस्टल बैलेट वाला कर लेते हैं, तुम्हारे उसमें आया हुआ था बेसिकली पास्ट ईयर में, तो तुम्हें भी थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगी। रुको एक मिनट, रुको, लेट मी चेक कौन से साल में आया था यार। ये रेजोल्यूशन तो इनफ है यार, इसमें सेम ही है, इतना कुछ नहीं है, लाइक आप लोग उसे कर सकते हो जहां तक मुझे लगता है, उसको मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं है। लिखवाने की जरूरत होती मैं आपको जैसे सब लिखवा दिए वैसे वो भी लिखवा देती, कोई उसमें इशू नहीं है। बस एक बार पोस्टल बैलेट वाला और कर लो, सो दैट आपकी सारी चीजें खत्म हो जाए। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। आइए बस मेरे को एक बात बता दो यार, तुम्हें जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था वो था बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट इन एब्रिज्ड फॉर्म, यस और नो? यही था ना मेरे बच्चे? तो एब्रिज फॉर्म में प्रिपेयर होता है 136, मतलब जब आपकी एंड जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है ना मेंबर्स को, उसमें एक एनुअल रिपोर्ट का भी मतलब समरी लग जाती है, दैट इज एब्रिज। उसमें बी आर पास होगा, वो सब चीजें भी सेम है। मेरे को समझ नहीं, मैंने पोस्टल बैलेट कौन से उसमें था, खैर अभी तो नहीं आएगा ऑब्वियसली आपका पोस्टल बैलेट, बट देखते हैं। आओ पोस्टल बैलेट का एक फॉर्म होता है सिंपली, उसमें दे रखा होता है कि कौन कौन अपनी कंसेंट दे रहा है, कौन कौन अपनी कंसेंट नहीं दे रहा, इस तरीके से। यहां तक आपको समझ आ गया? भर जाके और ड्राफ्ट करने की देखने की जरूरत नहीं है, पता लगे मजे मजे में ड्राफ्ट ही करते रहो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आइए आइए, क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया देख लेते हैं। ड्राफ्ट पोस्टल बैलेट फॉर गोलमो, अ कंपनी ने एग्जिस्टेंस हाँ जी, अ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, या फिर आप यू नो इनक्लोज्ड करके भी वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इन एग्जिस्टेंस फॉर लास्ट 10 ईयर्स, मतलब इतना परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, जस्ट एग्जामिनर को यही देखना है कि तुम्हें कितना मतलब बेसिक नॉलेज कितनी है, दैट्स इट, राइट? एक पोस्टल बैलेट है वो भी देख लेते हैं, सिंपल सा उसका भी एक फॉर्मेट है। पोस्टल बैलेट का क्या फॉर्मेट है? पोस्टल बैलेट फॉर्म होता है, बिकॉज नोटिस तो सिंपल हर तरीके से जाता है, तो फॉर्म ही तो जाता है ना अलग।
तो पोस्टल बैलेट फॉर्म ऑब्वियसली कंपनी के लेटर हेड पे जाएगा, ठीक है, नेम एंड रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर, नेम एंड रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर, उसके बाद फोलियो नंबर जो होता है मेंबर अपना वो लिखेगा, फिर मेंबर के पास कितने इक्विटी के शेयर्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड हैं वो लिखेगा, फिर फोर फाइनली वो बोलेगा कि मैं कौन कौन से रेजोल्यूशन पे अपनी अप्रूवल दे रहा हूँ और कौन कौन से रेजोल्यूशन पे अपनी अप्रूवल नहीं दे रहा। अगर नॉर्मल शेयर होल्डर है तो आई, और अगर जॉइंट है तो वी, यस और नो, आई या वी हेयर बाय एक्सरसाइज माई या आर वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन रेजोल्यूशन, अंडर मेंशन रेजोल्यूशंस टू बी पास्ड बाय पोस्टल बैलेट एज स्टेटेड इन नोटिस डेटेड दिस, एज स्टेटेड इन नोटिस डेटेड दिस बाय सेंडिंग माई असेंट और कंसेंट टू सेड रेजोल्यूशन बाय प्लेसिंग, कोई भी मार्क हो सकता है, टिक मार्क, ठीक है, इस तरीके से लाइक कि मैं अपनी असेंट दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ आइटम नंबर, जो जिसकी अगर एसेंट दी है तो आइटम नंबर के सामने यहाँ टिक हो जाएगा, डिसेंटेड है तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा इस तरीके से, एंड लास्ट में सिर्फ प्लेस एंड डेट। आई गेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये चीज़ें। आप थोड़ा सा अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना कंपनी लॉ की, यू कैन डू दैट। बाकी मैंने आपको पोस्टल बैलेट का स्पेसिमेन लिखवा दिया, नोटिस का स्पेसिमेन लिखवा दिया, रेजोल्यूशन के स्पेसिमेन लिखवा दिए, लास्ट में बस आप यही देख जाना फॉर श्योर है कि इनमें से बाहर तो नहीं ही आएगा। किस्मत बहुत ही खराब हुई तो कुछ भी आ सकता है। बाकी हमने आज 1.5 घंटे लगाए एंड मोर 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 देन चीज़ें आज हमने कर ली है। मेरे को बता दो, कोई भी दिक्कत हो तो बता दो, कोई भी दिक्कत है तो बता दो जल्दी जल्दी। बताओ बताओ जल्दी। हाँ बच्चे दोनों में आ सकते हैं, दोनों बच्चे दोनों में आ सकते हैं, दोनों में, डन डन। कॉर्पोरेट रिऑर्गेनाइजेशन, ठीक है चलो ले लेंगे ले लेंगे, डन। तो आज आई गेस रेजोल्यूशन आपका पूरा पूरा प्रॉपर पैक हो चुका है, राइट, प्रॉपर पैक हो चुका है। अब किस्मत कैसी अच्छी करे मैम ना लायक, कल का शेड्यूल, आज एक वीडियो आएगी, कल हम क्या करेंगे मैं आपको उसमें बता दूंगी। तो जो हमारी सुपर 30 चल रही है उसका एक आखिरी एपिसोड लेके आएंगे 2 और 2.5 आवर का, वो भी जल्दी आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी, डन। बिल्कुल पास्ट ईयर भी कराएंगे, बिल्कुल पास्ट ईयर कराएंगे। सो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, बाकी कल का क्या सीन रहेगा, मतलब कल से 2-3 दिन के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ आज की वीडियो में, एक वीडियो लेकर आऊंगी। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी विल मीट टुमारो मेरे बच्चे। फटाफट से बोल दो, फटाफट से, मेहनत मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, और छुट्टी भी हमारी। ओके मेरे बच्चे, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय 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 बाय।